नमस्कार बच्चों, आज 13 जनवरी और अध्याय भी 13 है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सर्वप्रथम लोहड़ी का ये पर्व जो है, आज आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा अध्याय 13 है। इसमें आज बच्चों हम आप लोगों को समझाने के लिए ये मॉडल्स भी लेके आए हैं। अभी आप लोगों को क्लोजअप में दिखा देते हैं। देखिए ये घन और इसी के ऊपर ये घनाभ और इसके ऊपर ये पहले बेलनाकार आकृति ले लेते हैं, बेलन, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक शंकु भी रख लेते हैं, शायद कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा बच्चों इस तरह से। तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला इसके ऊपर रखना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इनके बारे में सूत्र हम समझ रहे हैं क्योंकि आज हमारी अध्याय 13 में पहली क्लास है। तो घन के बारे में देखिए, एक मिनट, पहले घन के बारे में बता देते हैं। घन क्यूब, इसमें सभी भुजाएं समान होती है तो हम भुजा 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 बोल सकते हैं। यहां अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालें इसका, तो वो 4a² होगा। क्या बोला मैंने? 4a² लेकिन अगर इसको और इसको भी शामिल कर लें तो वो 6a² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जहां तक वॉल्यूम की बात है, आयतन की बात है, वो होता है साइड क्यूब, a क्यूब, ठीक है। एक बार और इसको समझ लीजिए, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इसके जो 6 फलक होते हैं ना बच्चों, वो जनरली हमारे को मिलते हैं आयताकार, जबकि घन में सभी 6 फलक होते हैं वर्गाकार। यहां पे हो सकता है ये वर्ग जैसा आप लोगों को दिख रहा हो, लेकिन घनाभ में सामान्यतः 3 तरह के आयत होते हैं, आमने सामने के बराबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूत्रों की अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये बेलनाकार जो आकृति आप लोगों को दिख रही है, सिलेंड्रिकल, इसमें ये भाग वृत्ताकार और ये भाग वृत्ताकार, और इधर का जो भाग दिख रहा है जिससे मैंने इसको पकड़ रखा है, जो बेलनाकार भाग यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया CS है। तो यहां पाई का उपयोग होगा क्योंकि वृत्त बन रहे हैं। और इसी तरह से शंकु, जिसको कोन कहते हैं, इसके अंदर केवल एक वृत्त है और इसमें एक स्लांट हाइट और होती है, तिर्यक ऊंचाई, एक ऊंचाई और एक त्रिज्या। तो शंकु के सूत्रों को भी हम आज ही समझेंगे। और एक ये गेंद की तरह की संरचना आपको दिख रही है जो गोले को दर्शा रही है, गोलाकार। और अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो वो हमारा हेमिस्फेयर बन जाएगा, अर्धगोला, ठीक है। जैसे नींबू को अक्सर हम रोज काटते हुए देखते हैं तो वो अर्धगोले की तरह से हो गया। आइए अब हम सूत्रों की दुनिया में लिए चलते हैं आप लोगों को। सर्वप्रथम घन, आप नोट भी करते चलिएगा। घन यानी कि क्यूब, तो इसमें इस तरह की ये आकृति होती है। सभी 6 फलक इसके वर्गाकार होते हैं, ये घन। तो ये ए ए ए अगर हम मान रहे हैं भुजा को, तो इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। वो हुआ 4a² और TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यूब का TSA, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, एक जैसा रहेगा। लेटरल सरफेस एरिया TSA, तो ये 4a², 6a² और जहां तक वॉल्यूम की बात है, आयतन की बात है, ए क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो यहां हम आपको बता देते हैं, अभी अभी मैंने जो बताया था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये हुआ आयतन। किस आकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं? घन, क्यूब। आप लोगों को बच्चों इस 13वें चैप्टर में 13.1 से लेके 13.8 तक का सफर तय करना है। 13.1 से 13.8, इसमें यह भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि पहली जो चार एक्सरसाइज है वो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे आधारित है, फिर वो आयतन की बात करेगा। 13.1 में घन और घनाभ, 13.2 में बेलन के बारे में बात हो रही है, 13.3 में शंकु और 13.4 में गोला अर्धगोला। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.4 तक है और 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 उन्हीं की क्रमशः आयतन वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो सूत्र हम एक बार पहले से ही बता देते हैं आप लोगों को, ये अक्सर आप याद कर लीजिए। घन के बाद में घनाभ, क्योंकि यही जो सूत्र है 10th में भी लगेंगे आप लोगों के, और एनसीईआरटी की बुक में जैसे 9th में अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ऐसे 10th में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ही मिलेगा आप लोगों को। देखिए वही, इसमें भी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम ले रहे हैं, तो वो है 2HL+B। हो सकता है बच्चों कभी कभी आप लोगों को H उधर लास्ट में मिले, 2L+B ब्रैकेट में और लास्ट में H। इसको परिमाप गुणा ऊंचाई भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, परिमाप गुणा ऊंचाई। ये वही है बच्चों चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आ जाइए TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं बच्चों, समझ जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जहां तक वॉल्यूम की बात है, किसका वॉल्यूम? क्यूबॉइड का। L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, इसमें ध्यान रखना बच्चों एल बी एच क्या है हम बता देते हैं। देखो ये है घनाभ, इसमें ये L, ये बी और ये इसकी हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एल बी एच ध्यान रखिए, घनाभ और ये घन। इसमें सभी के सभी वर्गाकार है, 6 के 6 फलक। इसमें जो 6 फलक है वो आयताकार है। बच्चों एक छोटी सी बात पूछे आप लोगों से, ये आर पार क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि ये कांच का बना हुआ है। यस, तो ये घन और घनाभ। आयतन की जहां तक बात है एल बी एच, और इधर हम लिख भी देते हैं ब्रैकेट में आयतन। तो यहां तक के ये घन और घनाभ के सूत्र तो आप याद करिए। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है, आप सवालों में पाएंगे कि इसमें ऊपर का भाग है ही नहीं, 6 फलक की जगह 5 ही फलक है, ऊपर से डिब्बा हमारा खुला हुआ है, बॉक्स खुला हुआ है, तो ऐसे में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5A² हुआ। कभी कभी इस घनाभ वाले डिब्बे में ऊपर का टॉप नहीं है, तब हम दो काम कर सकते हैं, या तो लेटरल सरफेस एरिया जो है ना LSA, उसमें बॉटम का जो पैंदा तो है ना बच्चों L×B होता है, ध्यान रखना L×B, वो हमने प्लस कर दिया, या फिर जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है
उसमें एल इंटू बी माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पांच ही फलक है, तो ध्यान रखना फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल दोनों में एल इंटू बी लगता है। क्या बोला मैंने? एल इंटू बी यानी कि लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, मिलते हैं बच्चों एक दो मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, अब घन और घनाभ हमारे को लगता है आपको याद हो गए होंगे। अब हम बची हुई जो आकृतियां हैं बेलन शंकु गोला अर्धगोला उसमें आप लोगों को लिए चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आजकल में ये आप सूत्र बार बार लिख के याद कर लेंगे, क्योंकि ये तमाम सूत्र आप लोगों के छोटी क्लासेस एट्थ में भी आए थे। अब बेलन यानी कि सिलेंड्रिकल फिगर, और बच्चों सुनो ये घन घनाभ हमारे दैनिक जीवन में आप लोग देखते होंगे, जैसे माचिस की जो डिब्बी होती है वो घनाभ का एक उदाहरण है। अक्सर ज्यादातर जो संदूक होंगे वो घनाभ का उदाहरण है, और ज्यादातर जो कमरे बने हुए होते हैं वो घनाभ का उदाहरण है। ठीक है ना, ध्यान रखिए घन के उदाहरण थोड़े से कम मिलते हैं लेकिन मिलते जरूर हैं। आप लोग सांप सीढ़ी का एक वो पासा देखा होगा ना, लूडो वगैरह सांप सीढ़ी वगैरह खेलने का, वो घन है। घन क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं बेलनाकार आकृति में, सिलेंड्रिकल सिलेंडर। इसमें इस तरह का जो फिगर होता है ऊपर और नीचे से वृत्ताकार, वो सिलेंडर हुआ। तो ये हमारा वृत्ताकार भाग, ये भी वृत्ताकार, और ये हमारा बेलनाकार भाग है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है बेलनाकार, जिसको सीएसए अपन बोलते हैं, 2πRh, और इसका क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर, और इसका हुआ पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं केवल ये कह रहा हूं सी एस ए यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सी एस ए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2πRh। किसी पेपर को अगर आप रोल करें, किसी पेपर को
अगर आप रोल करें, ये देखिए एक पेपर है हमारे पास में, और इस तरह से हमने रोल कर लिया तो ये एक बेलनाकार आकृति बन गई, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से। तो वो 2πRH हो गया, 2πR सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई बाई हाइट। और जहां तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है, वो हुआ 2πR² + 2πRH। सर कैसे हुआ? अरे बच्चों बताया ना, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर मिलके 2πR² हो गए, और प्लस 2πRH हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इन दोनों को प्लस करने से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा तैयार हो गया। और इजी करने के लिए हम इसमें 2πR कॉमन भी ले लेते हैं, तो R प्लस H। अब एक है बेलन का आयतन, ठीक है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक सिमिलर फिगर है, एक जैसी आकृति है, तो जो आधार का क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुणा कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच। संभवतः आपको समझ आ रहा होगा बच्चों यहां तक की बात। ये थे बेलन, क्या था? बेलन के सूत्र हम यहां लिख नहीं रहे, बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमने ऊपर लिख दिया। अब हम चल रहे हैं शंकु की ओर, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आप बेलन के ये सूत्र नोट भी कर ले, याद भी कर ले। तो अब तक हमने पहले घन, फिर घनाभ, फिर अभी अभी हमने लिया बेलन, ठीक है। यहां तक के सूत्र याद कीजिए, मिलते हैं बच्चों एक दो मिनट के अंतराल के बाद। बेलनाकार आकृति, सिलेंड्रिकल पार्ट। और अब हम लेके चल रहे हैं आप लोगों को शंकुनुमा आकृति में। बेलनाकार आकृति के उदाहरण अगर हम देखें तो घर में ये जो पाइप, पाइप जो छत से आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, ज्यादातर बेलनाकार ही नजर आएंगे आप लोगों को, ठीक है। और बेलनाकार आकृतियों के और उदाहरण आप लोग सोचिए, हमारे हाथ में जो मार्कर का ये दिख रहा है पार्ट, ये भी बेलनाकार है। तो हर जगह पे बेलनाकार आकृतियां भी आपको काफी कुछ नजर आएगी, जैसे घनाभ आती है, ठीक है। पेंसिल भी अगर उसमें कोई किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा बनावट नहीं है तो वो भी क्या है? बेलनाकार आकृति है, ध्यान रखिए। अब हम चल रहे हैं शंकु कौन,
इसमें इस तरह की ये आकृति कोन होती है। अक्सर आप लोग हैप्पी बर्थडे पे जो कैप लगाते हो वो कोनिकल होती है, शंकुनुमा होती है। इसमें व्रत केवल एक हुआ और ये इसको स्लांट जो एरिया है, सीएसए जिसको बोलते हैं, ढालू भाग बोल सकते हैं हिंदी में आप लोग, ढालू भाग, ढलान वाला भाग, ये इसमें स्लांट हाइट जो मैं कह रहा था ना बच्चों, तिर्यक ऊंचाई, वो एल है, ये एच है और ये आर है। तो अलग से ध्यान रखना, एच एल और आर में जो रिलेशन होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय में होता है वही होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके अलावा जो हमारे सूत्र बने सी एस ए, वो होता है पाई आर एल, इसमें एल का इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए। टी एस ए यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें पाई आर स्क्वायर और प्लस कर दिया, किसमें, पाई आर एल में। वापस से देखिए, पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर एल इसका, तो दोनों में हमने पाई आर कॉमन लिया तो आर प्लस एल, तो टी एस ए ऑफ कॉन पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हुआ, इसको हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। और जहां तक शंकु के आयतन की बात है ना बच्चों, शंकु का आयतन, अभी हम फिलहाल इधर जो लिख रहे उसमें हम वॉल्यूम ऑफ कॉन, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आप बुक में देखें तो आपको एक फिगर दिख रहा है वहां पे, जिसमें एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के बेलन और शंकु लिए जाए, तो हम उस बेलन को 3 बार शंकु से भरेंगे तब जाके वो बेलन भरेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हुआ किसका, शंकु का आयतन। तो ये थे शंकु का। अब हमारे पास में जो बचा वो बचा एक तो गोलाकार और एक अर्धगोला, स्फेयर एंड हेमी स्फेयर, उनको और अच्छी तरह से समझेंगे। हमने सबसे पहले लिया घन 4a² 6a² a³, उसके बाद में घनाभ 2h ब्रैकेट में l प्लस b, बहुत अच्छे बच्चों। और जहां तक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ध्यान रखिएगा। और जहां तक वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात है, आयतन की बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ए क्यूब किसमें था, घन के आयतन में। कभी भी मैं इधर उधर पूछ सकता हूं आप लोगों से सूत्र, तो ये याद करके रखिएगा, तभी आप सवाल अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। इसमें ये एक एक्स्ट्रा सूत्र और होता है एल एच और आर में रिलेशन का। ये रही बात किसकी, शंकु की। अब हम चल रहे हैं किसमें, हां गोलाकार आकृति में। बच्चों एक सवाल हम आपको मन से समझा देते हैं, देखो, जिससे आप लोगों को इन सूत्रों का उपयोग समझ सको। यस, ये सवाल मन से ले रहे हैं। मान लीजिए किसी सवाल में आपको दिया हुआ है h बराबर 24 सेंटीमीटर और r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो क्या क्या ज्ञात करना है, l ज्ञात करना है, कोण की बात हो रही है, शंकु की बात हो रही है, शंकु में
एक आपको सीएसए फाइंड करना है कौन का, एक आपको टीएसए फाइंड करना है कौन का, और एक आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कौन का। तो पहले यह सूत्र आपकी मदद करेगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का मान 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो इधर 2 ये 24 का जो स्क्वायर हुआ 576, 49 प्लस किया तो 625, ये है एल स्क्वायर बराबर। तो एल बराबर वर्गमूल 625 और वो आया हमारे पास में 25, सभी माप सेंटीमीटर में है तो 25 भी सेंटीमीटर में आ गया एल का मान। अब हम दूसरा पार्ट जो हमें ज्ञात करना है वो है पाई आर एल का उपयोग करते हुए, सी एस ए पाई आर एल, क्या बोला मैंने, पाई आर एल, ध्यान रखना बच्चों, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एच लगा देते हैं, एल है। यस, पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7, 22/7। कभी कभी बच्चों सवाल में वो दे देता है 3.14, तब 3.14 ही काम में लेंगे। अब यहां पे आर की जगह 7, एल अभी अभी हमने ज्ञात किया 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 को 22 से गुणा किया 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक तरीका यह है कि हम पाई आर स्क्वायर अलग से ज्ञात करें और 550 में प्लस कर दे, 154 इधर से आएगा और 550 इधर 704 टोटल आएगा। दूसरा तरीका है इस सूत्र में हम मान लगा दें, आइए समझिए कैसे। पाई की जगह 22/7 और अंदर 7 प्लस 25, तो यहां पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 किससे गुणा हुआ, अंदर जो 32 बना उससे, 32 मल्टीप्लाई बाई 22, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इससे भी कर सकते थे, अलग से ये ज्ञात करके भी कर सकते थे। अब रही बात वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7, और यहां पे एच 24 है, 3 से ये कट गया 8 बार, 1/7 से 7 कट गया, यहां पे 22 गुणा 7 गुणा 8, 8 7 56, 56 दुनी 112 है, 112, इनको हमने प्लस कर दिया 1232, तो इनका गुणनफल आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार आयतन है बच्चों, इस बार आयतन है, ध्यान रखिए, क्योंकि यहां सेंटीमीटर की 3 राशियां मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब बना। तो ये तो एक उदाहरण बताया था हमने किस तरह से हम 13.1 के सवालों को हल करेंगे, ये बात अलग है कि ये दूसरी एक्सरसाइज में आएंगे, शंकु मिलेंगे हमारे को 13.3 में और आयतन मिलेंगे 13.7 में, शंकु के लिए ध्यान रखना। अब हमारे जो दो फिगर और बाकी हैं, एक गोलाकार और एक अर्धगोला, उसको भी समझाते हैं और वक्त वक्त पे इन सूत्रों को दोहराते रहिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। आइए गोलाकार आकृति की ओर चलें। तो शंकुनुमा आप कभी देखें बच्चों, तो जैसे कीप होती है ना, कीप, वो भी शंकुनुमा, और आइसक्रीम वगैरह में एक सॉफ्टी आप लोगों ने देखी होगी, वो भी शंकुनुमा होती है, एक कैप शंकुनुमा, और आप लोग खुद सोचिए बच्चों शंकुनुमा किस तरह की आकृतियां होती है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर गमला जो है ना, गमला वो भी शंकुनुमा होता है, लेकिन बच्चों एक्चुअल में उसमें ना नीचे कोनिकल बिल्कुल लास्ट तक नहीं गया, इसलिए वो पूर्णतया शंकुनुमा नहीं होता है। अब ये आपको देखने में तो वृत्त लगेगा, लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा शेडेड कर दिया तो ये गोलाकार बन जाएगा,
स्फेरिकल आकृति गोला स्फेयर, तो इसमें क्या क्या है आइए देखें जरा। इसका टीएसए और सीएसए एक ही होता है, दो अलग अलग पार्ट नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय चित्रफल ही वक्र पृष्ठीय चित्रफल मानिए आप लोग, और वो होता है 4πr² जहां तक वॉल्यूम की बात है, गोले के वॉल्यूम की बात है, वो होती है 4/3πr³। 4/3πr³ ये गोले में है। अब अर्ध गोले को सुन लीजिए, अर्ध गोले में हमने इसी को आधा कट कर दिया, चाहे ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए, इस तरह से पूरे गोले का आधा पार्ट। इसके अंदर अरे हां बच्चों, अभी अभी 25 दिसंबर तो गया था ना, तो इसमें आप लोगों ने वो कैप देखी होगी ना बच्चों, है ना, वो रेड कलर की कैप तो देखी होगी। ये देखिए, बिल्कुल ये शंकुनुमा आकृति, देखो कैप जैसी आकृति दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो मैं कह रहा था ना, जहां ये सिलाई दिख रही है आप लोगों को, ये एल स्लांट हाइट हो गई, और इसके बिल्कुल सेंटर में वो जो त्रिज्या हो गई और ये हाइट हो गई। तो एक ये जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है, और हम हमारी टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उन्होंने तुरंत फुरंत आपके लिए शंकु का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बच्चों यस कम ऑन, अर्धगोला, अर्धगोला गोले का आधा पार्ट, अक्सर नींबू को आप कट करते होंगे तो ये अर्धगोला, अर्धगोला हेमिस्फीयर। देखो जो सर्किल होता है ना, उसके हाफ को तो सेमी सर्किल बोलते हैं और गोले को हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या है, अर्धगोले में सीएसए और टीएसए अलग अलग हो गए। ये है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये है आयतन किसका, अरे गोले का। अब इधर आ जाइए अर्धगोले के अंदर, इसमें बच्चों ये जो अभी अभी कट के गया ना बेचारा, ये पाई आर स्क्वायर है, और ये जो हमारा ये पार्ट है ना वक्र पृष्ठ, इसका 2πr² है। पता है क्यों, अरे पूरे का 4πr² था ना, तो हाफ का 2πr² हो गया, हाफ का 2πr² याद रखना बच्चों। तो यहां पे अर्धगोले में CSA किसका, अर्धगोले का, वो तो हुआ 2πr² और जहां तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है TSA, वो 3πr² बताओ क्यों, क्योंकि ये और आ गया। अगर मेरे को इस तरह का कोई वुडन ब्लॉक मिल जाए, लकड़ी का कोई पीस मिल जाए इस तरह का, तो मेरे को कलर पेंट इस पे भी करना होगा और साथ ही साथ इस पे भी करना होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और अब रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम की आयतन, तो ये जो 4/3 है ना, इसमें नीचे की तरफ 2 आ जाता है, 2 ने 4 को कट कर दिया कितनी बार, 2 बार, बहुत अच्छे बच्चों। तो 2/3πr³ ये वॉल्यूम हो गया अर्धगोले का, और ये आयतन है अर्धगोले का, वही वॉल्यूम, और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA। तो तमाम जो आप लोगों के आकृतियां सिलेबस में है वो हमने समझा दी, सूत्र अब आपको याद करने हैं। बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा बच्चों कभी भी, तो आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए। और थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए हम एक चार्ट भी बना सकते हैं
कि एक तरफ हमने आकृतियां लिख ली, एक तरफ सीएसए, एक तरफ टीएसए और एक तरफ वॉल्यूम। तो बार बार में उनका सूत्र लिख के हम अपने आप को और अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये घन और घनाभ, जैसा मैंने आपसे कहा 13.1 घन घनाभ का केवल क्षेत्रफल की बात होगी, 13.2 बेलन की बात होगी, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.3 में अभी अभी जो हमने शंकु लिया था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, और 13.4 में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा। बची हुई जो चार एक्सरसाइज है उनमें इन तमाम चीजों की आयतन की बात होगी। ठीक है ना बच्चों, तो संभवतः यहां तक सभी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।